तो अपने से शक्तिशाली के सामने जाके खड़े हो जाना, क्रोध मिट जाएगा। क्रोध की आदत है कि वह नीचे वालों पर उतरता है, ऊंचे वाले। एक बार क्या हुआ कि गामा पहलवान छत के ऊपर कसरत कर रहा था, दंड बैठक लगा रहा था, ईट रख करके दंड कर रहा था। नीचे से मुल्ला नसरुद्दीन मरियल निकला और गामा पहलवान कसरत करते करते उसके हाथ से ईट छूट गई और धड़ से जाके मुल्ला के सिर पे। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है तू? मेरा सिर फोड़ दिया कमबख्त, मैं देखता हूं आके तेरा सिर फोड़ूंगा। बड़े गुस्से में आवेश में गया, छत पर चढ़ा। जैसे ही छत पर चढ़ा गालियां बकने लगा। गामा ने कहा, कौन है रे तू? अरे बोले, आप है क्या? बोले हाँ। बोले, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों गाली दे रहा है? बोले, गाली कहां दे रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। तो बोले, क्या बात है, तू मेरा सिर फोड़ेगा? सिर ईट लेके आया है हाथ में, मरोड़ के रख दूंगा तेरी गर। अरे बोले, नहीं भाई साहब, मैं सिर फोड़ने थोड़ी आया हूं, ये आपकी ईट गिर गई थी तो वापिस लौटाने आया हूं। किसे आप संभालिए, आपकी ईट गिर गई भाई साहब, संभालो। ध्यान रख, गया था सिर फोड़ने। जब शेर पर सवा शेर मिल जाता है ना, तो क्रोध छू मंतर हो जाता है, क्रोध ज्यादा देर तुम्हारे पास टिकता है। जब भी गुस्सा आए, अपने से बलवान के सामने जाकर के खड़े हो जाना। दूसरी बात, रोज सुबह जब तुम उठो, शिविरार्थियों को भी मैं कह रहा हूं, रोज सुबह उठो तो मां बाप को धोक बाद में देना, भगवान को प्रणाम बाद में करना। जैसे ही उठकर बैठो, डेढ़ मिनट मुस्कुरा लेना। ध्यान रखना, मुस्कुराहट क्रोध की दुश्मन है। ध्यान रखना, यदि चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो क्रोध भाग जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या हंसी होगी या क्रोध होगा। क्रोध होगा तो हंसी नहीं होगी, और हंसी होगी तो कभी कोई कर सकता है कि गुस्सा भी करे और मुस्कुराता भी जाए? वो क्रोध हो ही नहीं सकता है। लाख कोशिश करे, रोज सुबह उठकर के डेढ़ मिनट पहले जी भर के मुस्कुरा लो, जी भर के हंस लो, बिना कारण के हंस लो। और ना हंसी आए तो बाहर झुग्गी झोपड़ी है ना, यहां से लाफिंग बुद्धा खरीदो और अपने बेडरूम में अपने बेड के सामने रखो, उस मोटे से बुद्ध को देख करके आनंद से हंस लिया करो। ऐसी चीजें लगा दो, या दिन भर में ऐसी कोई बात हुई हो उस बात को याद कर लो और तुम्हें हंसी आ जाए, समझना क्रोध छूमंतर। सुबह सुबह यदि मुस्कुरा लिया हंस लिया ना, तो दिन भर क्रोध नहीं आएगा। डेढ़ मिनट का ये आप पुरुषार्थ करें, आपका क्रोध आपसे दूर चला जाए। उत्तम क्षमा धर्म है। आज के दिन सुबह से शाम तक एक ही संकल्प करके उठो कि हम मुस्कुराएंगे। जरा मुस्कुराओ तो भाई, कैसे मुस्कुराते हो? हे भगवान, मैंने मुस्कुराने को कहा, तुम तो रावण की तरह हंस रहे हो। मुस्कुराओ, आवाज नहीं आना चाहिए, हंसता चेहरा मुस्कुरा। किसी से जय जिनेन्द्र करो तो मुस्कुरा के करो कि भाई साहब जय जिनेन्द्र। ऐसे नहीं, जय जिनेन्द्र, वो तो जय जिनेन्द्र भी सत्यानाश कर देगा तुम्हारा। ध्यान रखे, मुस्कुराते रहो, हंसते हंसते कहिए अपनी बात। जितना हंसेंगे क्रोध दूर रहेगा, क्रोध तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगा। मुस्कुराते 24 घंटे, आज यही उत्तम क्षमा है, 24 घंटे आपको मुस्कुरा। भोजन करने बैठो ना, मुस्कुरा के करना, बड़े हंस के आनंद के साथ करना, मौन से करना, मुस्कुरा के करना, तो वो भोजन स्वादिष्ट लगेगा। ध्यान रखना, गुस्से में करोगे अच्छा भोजन भी जहर में परिणित हो जाएगा, जहर बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा। एक सूत्र, पहला सूत्र मैंने आपको दिया कि क्रोध आए तो अपने से बड़ों के सामने चले जाओ, और दूसरा सूत्र दिया है, क्रोध आए तो थोड़ा सा डेढ़ मिनट बैठे बैठे मुस्कुराओ। कोई बात नहीं, बाजू वाला यही समझेगा पागल है, फालतू में ही मुस्कुराया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी को तुम मुस्कुरा के देखोगे तो दुश्मन भी होगा तो गुस्से में नहीं देख पाएगा। ध्यान रखना,
वह भी मुस्कुराहट के बदले मुस्कुराहट ही तुम्हें प्रदान करेगा। मुस्कुराहट मुस्कुराहट को लेकर के आती। हंस के बोलोगे हंस के उत्तर मिलेंगे, गुस्से में बोलोगे गुस्से में उत्तर मिलेंगे। पहला सूत्र आज साधना करना है सबको। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली धर्म बता रहा हूं। आज की साधना दगड़े नहीं, नो दगड़े नो झगड़े। आज तो साधना का अर्थ है मुस्कुराते हुए रहना। ध्यान रखिए, क्रोध को मिटाना है मुस्कुरा, हंसते रहो। अरे न मुंह छिपा के जियो, न सर छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये मुस्कुराहट ही तुम्हारे, ध्यान रखना, कोई मंत्र नहीं है दुनिया में, कोई शास्त्र, कोई पोथी पुराण नहीं है जो तुम्हारे क्रोध को मिटा सके। मुस्कुराहट वो पुराण है जो तुम्हारे क्रोध को मिटा देगी। अरे उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, मुस्कुराता हुआ जीवन, मुस्कुराते रहो। पति ने कुछ कहा मुस्कुरा दो, हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, रोता हुआ चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। साधना ऐसे मत बैठना, अरे बाप रे फंस गए भगवान, 11 बज गए कब रोटी मिल। अरे मिलेगी भाई मिलेगी, कल शाम को खाया था, मुझे देख लो मैंने तो कल सुबह खाया था। ध्यान रखिए, जब भी तुम्हारा मन करे ना चटाई पर कैसे सोए, तो ये सोचना कि हम तो कपड़े में सो रहे, महाराज तो बिना कपड़े में चटाई पर कैसे। साधना हो जाएगी तुम्हारे जीवन की। प्यास लगे बच्चों को ये सोचना, यार सुबह पिया दोपहर पिया रात को प्यास लग रही है, ये सोचना महाराज तो 24 घंटे में एक बार पीते हैं, क्या मैं सारात को पानी पिए बिना। ये साधना के सूत्र है, ये सीखना है आपको इस संस्कार से, ये अणु व्रत है आपके जीवन के।